नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज साप्ताहिक भविष्यफल के ऊपर, हर लग्न के ऊपर मैं एक सप्ताह का भविष्यफल कथन करता हूं, जिससे आपको उसका लाभ हो। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो है 29 जून से 5 जुलाई 2020 तक का, और इस संबंध में हर एक लग्न के हिसाब से आप कृपया देखें, राशि के हिसाब से नहीं, तो हर लग्न के हिसाब से इस चर्चा को लिया जाएगा। पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, और वो हैं 29 जून को एक अनसूज विवाह मुहूर्त है, जिसे भट्टी नवमी कहते हैं। 1 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, इसमें भी विवाह हो जाता है। 2 जुलाई को प्रदोष व्रत, और 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूजा कहते हैं। ये धार्मिक 4 चीज़ें इस बार हो रही हैं इस सप्ताह में। 30 तारीख को गुरु धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी स्वग्रही हो जाएंगे वक्री होने के कारण, और 5 जुलाई को बुध हो जाएंगे अस्त। ये 2 ज्योतिषीय घटनाएं इस सप्ताह में हो रही हैं। अब हम एक एक करके हर एक लग्न को ले लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेष लग्न के साथ। तो मेष लग्न की स्थिति क्या है? जिनको थोड़ी सी भी सेहत की दिक्कत है, उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो थोड़ी स्वास्थ्य के नाम पर खर्चों की स्थितियां बढ़ेंगी, सावधान रहने की जरूरत है। भाषा इंप्रूव होगी, भाषा में लाभ होगा, आपकी बोली भाषा से बहुत से काम बन सकेंगे, कुटुंब का सहयोग प्राप्त होगा, धन को लेकर कोई कमी आती हुई नहीं दिखाई देती, अपने छोटे भाई बंधुओं के साथ आपका तालमेल बनेगा, और आपका परिश्रम फलदायी होगा। पर थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम देखने में आ सकती है, थोड़ी जिद देखने में आ सकती है, तो थोड़ा प्रयास कीजिए कि आप अपनी जिद को संभाल सकें, और जो कर्म कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जिसका पूर्ण लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है, कुटुंबजनों का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, पर स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। दशम भाव की स्थिति बड़ी सुंदर है। शनि देवता वहाँ राजयोग बनाकर बैठे हैं, जिसका नाम है शशक महायोग। ये गोचर में बनने वाला राजयोग है। इसका भी लाभ ये होगा कि जीवन स्तर को ऊंचा करने के कुछ मार्ग आपको मिलेंगे, आमदनी को बढ़ाने के कुछ मार्ग आपको मिलेंगे, भाग्य की स्थिति भी इम्प्रूव होगी गुरु के कारण। पर जब केतु भी गुरु के साथ होता है तो ये स्थितियाँ थोड़ी चंचल हो जाती हैं। मतलब कभी लगेगा कि काम बन गया बिल्कुल, फिर लगेगा कि शायद नहीं, तो थोड़ा टालम टोल होने जैसी स्थितियाँ देखने में आएंगी। पिता के स्वास्थ्य को थोड़ी मोटी तकलीफ देखने में आ सकती है। ये 2-4 छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो लमसम बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बहुत अधिक फिक्र की बात नहीं है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करना आपके लिए शुभ होगा। वृषभ लग्न की बात करते हैं। वृषभ लग्न की स्थिति बहुत बढ़िया है, क्योंकि लग्न में ही शुक्र का राजयोग है, तो सेहत के हिसाब से, सौंदर्य के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से ये सप्ताह बड़ा अच्छा जाने वाला है। आपको आँखों से संबंधित तकलीफ देखने में आ सकती है, आँखों की, खासतौर पर सीधी आँख में, आधे सिर में दर्द वाली जिसे हम शिकायत कहते हैं, ये भी हो सकता है। आपकी भाषा इम्प्रूव होगी, भाषा खराब होगी, उसमें कड़वाहट बढ़ेगी, तीखापन बढ़ेगा। कुटुंबजनों से सहयोग मिलने के बाद भी आप उनसे विरोध कर सकते हो। आपको गले की कोई समस्या या दांतों की समस्या भी देखने में आ सकती है। कमर दर्द की भी थोड़ी बहुत समस्या देखने में जरूर आएगी, कमर की थोड़ी सी आएगी, पर आएगी जरूर। तो सेहत ऑन दी ओल ठीक है, पर छोटी छोटी सेहत की दिक्कतें आ रही हैं, यानी बड़ी इतनी बड़ी नहीं है कि हॉस्पिटल जाना पड़े, पर घर में ही कुछ तनाव हो ऐसा देखने में आएगा, ये सावधानी की जरूरत है। वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी है, आमदनी की स्थिति अच्छी है, भाग्य की, जीवन स्तर की स्थिति अच्छी है, पिता के साथ तालमेल की स्थितियाँ भी बिल्कुल ठीक बने रहेंगी, इसमें ऐसी कोई खराबी नहीं। संतान की स्थिति अच्छी है, पर सही मौके पर सही फैसला लेने की सामर्थ्य थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि जब हम भाषा सही नहीं इस्तेमाल करते तो कहीं ना कहीं हमारे को अकेलेपन की शिकायत जरूर आएगी। आप अकेले होंगे, आपके फैसले प्रभावित होंगे, उसका नुकसान आपको देखने को आएगा। अगर कोई तनाव महसूस होता है तो सतनजा दान करें, सतनजा, इससे राहु थोड़ा शांत होगा। कुत्ते को दूध पिलाना भी एक हल हो सकता है, बाकी सब ठीक है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न में बुध का राजयोग भद्र महायोग बना रहेगा, और बुध आदित्य योग भी बनेगा सूर्य बुध के इकट्ठे होने के कारण, और सूर्य और राहु के एक साथ लगन में होने के कारण सूर्य ग्रहण दोष भी बनेगा। अभी सूर्य ग्रहण पड़ा ही था, आपने देखा। 12वें घर में शुक्र की स्थिति अच्छी है, आमदनी अच्छी है, सेहत अच्छी है,
व्यक्तित्व अच्छा है, रुतबा अच्छा है, सामर्थ्य अच्छी है। तो गवर्नमेंट से संबंधित, फैसले लेने से संबंधित आपको फायदे होंगे, आपके विचार ठीक होंगे, डिसीजंस बहुत अच्छी लिए जाएंगे, सेहत ठीक रहेगी, खर्चे आनंद में, आमोद और प्रमोद में तो हो सकते हैं, व्यर्थ में नहीं होंगे, पढ़ाई लिखाई संतान के सुख की स्थितियां बड़ी सुदृढ़ हैं। तो लगभग कोई भी समस्या मिथुन लग्न वालों को इस सप्ताह में नहीं आएगी, लगभग बिल्कुल ठीक। लगभग इसलिए कहा जा रहा है कि 100% से फ्यूचर ही बता सकते हैं, स्थितियां बहुत अच्छी हैं, किसी तरह के किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की स्थिति थोड़ी सी नाजुक है, सूर्य और राहु दोनों ही 12वें घर में है। 12वां घर कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर के पास खींच के लेके जाएगा, आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा नाजुक हो सकता है, बहुत फिक्र की बात तो नहीं है, पर डॉक्टर के फीस के नाम पर, दवा के नाम पर, टेस्ट के नाम पर आपके पैसे जरूर खर्च होंगे, इसकी सावधानी बरतें। आमदनी इंप्रूव होगी वो अपनी जगह एक अलग बात है। भाग्य की स्थितियां भी ठीक हैं, पढ़ाई लिखाई संतान की स्थितियां ठीक हैं, जो कुछ खराब है स्वास्थ्य, तो अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहें, संभव हो तो मोती पहने, चीनी मिश्री चावल या खीर ईश्वर को भोग के स्वरूप लगाएं और प्रसाद के भाव से उसे ग्रहण कर लें, आपको लाभ जरूर होगा या समस्याएं कम होंगी। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की स्थिति अच्छी है, हर वो विचार, हर वो तिकड़म आपके दिमाग में आएगा जिससे आप पैसा बना सकते हैं, आपके विचार तेज भागेंगे, दंभ बढ़ेगा, अकड़ बढ़ेगी, लेकिन कोई बड़ा डिसीजन ऐसा जरूर गलत ले लिया जाएगा जिसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आपको आए, जिसे संभालने में आप परेशान हो जाएं। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा तनावपूर्ण होने वाला है, इसके लिए सजग रहना जरूरी है, तालमेल बिगड़ेंगे। ऐसी कोई तकलीफ जिसमें बॉडी में खून की दिक्कत होती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर बढ़ना है, चाहे घटना है, चाहे पायरिया है या पाइल्स है, ये इम्प्रूव हो सकती है, सावधान रहिए। संतान का सुखों की स्थिति बहुत अच्छी है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। तो शत्रुओं पर आपका कंट्रोल बड़ा प्यारा बना रहेगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न के लिए सबसे बढ़िया स्थितियां बृहस्पति का राजयोग, बुध का राजयोग, बुध आदित्य राजयोग और राहु का भी दशम भाव में होना गोचर का जबरदस्त राजयोग है। कुछ खराबी नहीं है, संतान के घर में शनि सो रही, भाग्य के स्थान पर शुक्र सो रही, तो गोचर में इससे बढ़िया स्थिति नहीं हो सकती। मेरी तरफ से किसी उपाय की उन्हें आवश्यकता नहीं है, उन पर गोचर में दैवीय शुभ लाभ प्राप्त है, उन्हें कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न के लिए स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी सी नाजुक देखने में आ सकती है, जमा पूंजी थोड़ी सी खर्च हो सकती है, सेविंग्स बढ़ेंगी, सेविंग्स बढ़ना अलग बात है, जमा पूंजी खर्च होना, यानी आपकी अर्निंग बढ़ी तो सेविंग बढ़ी, पर कुछ खर्चे आए तो आपकी सेविंग घटी, दोनों बातें एक साथ होंगी। प्रयासों का फल प्राप्त होगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयासों में कुछ कमियां रह जाने के कारण उतने फल प्राप्त नहीं होंगे जितने आपने प्लान करे। भाग्य सपोर्ट करने के बाद भी थोड़ा सा अधिक भाग्यवादी होने के कारण आपको तनाव देखने में आ सकता है, पिता का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। अगर आपकी उम्र इतनी है कि पोते पोतियां हैं या इस उम्र लायक आप हैं, तो उनका भी स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। कुटुंबजनों से सहयोग प्राप्त होने का योग भी थोड़ा कम है, या तो सहयोग देंगे नहीं, या वो आपके लिए कुछ गुप्त मंत्रणा कर सकते हैं जिससे आपको नुकसान हो, आपको सजग रहना जरूरी है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का अच्छा योग है, किसी भी तरह की आपके खिलाफ कोई चालबाजी की जाएगी तो आप उसे ईमानदारी से संभाल सकेंगे, पर सावधानी अपेक्षित है। चौथे घर में शनि है और आमतौर पर गोचर में चौथे, आठवें और 12वें घर में गए हुए ग्रह, 4, 8, 12 में गए ग्रह सुफल नहीं देते हैं, इसलिए शनि का कोई विशेष लाभ नहीं। तो तुला के लिए स्थितियां मिश्रित प्रभाव वाली हैं, आप 50-50% समझ लीजिए, थोड़ी सावधानी रखेंगे तो ये सप्ताह आराम से निकलेगा, अन्यथा छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको जरूर आने वाली हैं, आप तैयार रहिए। वृश्चिक लग्न की स्थिति अच्छी है, लग्न के स्वामी की स्थिति बड़ी सुंदर है, वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी है, पर आँखों को, कमर को, डिस्क को, पैरों में दर्द को प्रॉब्लम देखने में आ सकती है। जिनको किडनी की थोड़ी बहुत भी शिकायत है वो बढ़ सकती है, थोड़ा बहुत यूरिया बढ़ने की गुंजाइश भी आपकी कुंडली में, जिसे ब्लड यूरिया हम लोग कह देते हैं, यूरिक एसिड कह लीजिए, ये भी देखने में आएगा।
बोली भाषा, व्यवहार कुशलता, परिवार का सहयोग मिलेगा भी और कुछ गुप्त मंत्रणा भी दोनों में देखने में आ सकती। एफर्ट्स बड़े शानदार होंगे, आपके किए हुए प्रयास सुंदर और शुभ फल देंगे। आपके डिसीजन बड़े सुंदर होंगे जिसका फायदा आपको आने वाले लंबे समय तक भी मिल सकता है। तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य की दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपका व्यक्तित्व, आपका रुतबा, आपकी शान अच्छी मेंटेन होने वाली है। धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न, लग्न में ही बृहस्पति का राजयोग बन गया है और सातवें घर में सूर्य, बुध, राहु तीनों। तो जितना लग्न बढ़िया हुई उतना ही सातवां घर कमजोर हुआ। भाव कि आपकी सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी तो बनी पर कुछ मन में चंचलता रहेगी, जिसे हम खन खन मते कहते हैं। पल पल आपका करैक्टर बदलेगा, विचार बदलेंगे, कभी ये करना चाहते हैं, कभी वो करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वैवाहिक जिंदगी में तनाव, द्वेष, खींचतान, लड़ाइयाँ, वाक युद्ध यानी भाषा का युद्ध जरूर आएगा। तो वैवाहिक जीवन को संभालना जरूरी है। माँ के साथ संबंधों में थोड़ी कटास देखने में आ सकती है। घूमने का कहीं योग बन सकता है, घर शिफ्ट करने की कोई गुंजाइश भी बन सकती है, या ऐसे विचार देखने में आ सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी बरतें, भाषा भी बहुत मीठी नहीं रहने वाली। तो बेशक धनु के लिए सेहत का मामला ठीक है, पर अलावा इसके बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो थोड़ी सावधानी आपके लिए आवश्यक है। मकर की बात करते हैं। लग्न में ही शनि का राजयोग, मजबूत स्थिति, खर्चे आपके कंट्रोल में, दैवीय कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, बीमारियों से मुद्दे पर आपको राहत बनी रहेगी। पर जब भी सूर्य छठे घर में रहते हैं, शत्रुओं का नाश तो करते हैं पर आँखों का, आत्मबल का भी नाश करते हैं। तो जाने अनजाने आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, कुछ कानूनी दिक्कतें और झंझट देखने में आ सकते हैं। आप में सामर्थ्य बहुत रहेगी, आप उनका सामना कर सकोगे, लेकिन तनाव बना रह सकता है। वैवाहिक जिंदगी थोड़ी प्रभावित होगी, दो तीन बार अलग अलग दिनों के हिसाब से। आपको अपने प्रयासों का उतना सुंदर फल प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है, तो असर मिला जुला आएगा, बहुत अच्छा भी नहीं तो बहुत खराब भी नहीं। अगर ठीक समझें तो सूर्य को जल चढ़ाएं, आपको लाभ जरूर होगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। बहुत अच्छी स्थिति है, यानी कुछ भी खराब नहीं है। अच्छा नहीं भी होगा तो बुरा कुछ नहीं होगा। संतान के साथ स्थितियाँ थोड़ी मिश्रित प्रभाव की हैं, कहीं ना कहीं संतान की तरफ से थोड़ी फिक्र, थोड़ा तनाव, थोड़ी चिंता बनी रहेगी। भाषा में कटुता बढ़ सकती है। आपके व्यक्तित्व में इम्पेशेंस यानी व्यग्रता बढ़ेगी, आपका संयम थोड़ा सा कम होगा, जिद थोड़ी सी बढ़ेगी, इनकम इम्प्रूव होगी, सहयोग प्राप्त होगा, कुटुंबजनों का सहयोग प्राप्त होगा, उनसे प्यार बनेगा। लेकिन जाने अनजाने ब्लड प्रेशर जैसी शिकायतें, भाषा की शिकायतें, हाथ पैरों में दर्द की शिकायतें बढ़ सकती हैं, गहरी नींद नहीं आने की शिकायत भी बढ़ सकती है। अब हमारी आखिरी लगन आ गई, मीन लगन। लगन में मंगल देवता भाग्य के स्वामी होकर के बैठे हैं, बड़ी अच्छी स्थिति है। लगभग सब कुछ ठीक है, पर जो कुछ खराब है, चौथा घर यानी माँ का, मकान का, वाहन का, उच्च शिक्षा का, हमारी इमेज का और हार्ट का। अगर आपको थोड़ी सी भी ब्लड प्रेशर की या हार्ट की तकलीफ है तो आपको सजग रहना है अगले कुछ और हफ्ते भी, कम से कम दो तीन हफ्ते। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पर तनाव देखने में जरूर आएगा, दिल से संबंधित, इमेज अड़ोस पड़ोस में आपकी इमेज से संबंधित, और माँ के साथ तालमेल, ये समस्याएं माँ को भी आ सकती हैं। मकान से संबंधित, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच खरीद रहे हैं तो अभी रुक जाएं। तो ये एक मिला जुला प्रभाव हुआ। आपको क्या उपाय करना है, राहु के लिए कुत्ते को दूध पिलाएं और सूर्य को जल चढ़ाएं, गुड़ भी दान कर सकते हैं। ये सारे उपायों पर ध्यान देना है। इन्हीं सभी ग्रहों के जो उपाय बताएं उनके मंत्र जाप भी कर सकते हैं, और इससे संबंध में मैं पहले ही एक वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। हमने एक नया चैनल और बनाया है जिसका नाम है धर्म प्रत्यंचा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। कोई सवाल आपके हृदय में है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए, हमसे जितना संभव है उसके संबंध में आपसे विचार प्रकट किए जाएंगे। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए हमसे संपर्क करना चाहें तो संपर्क सूत्र वीडियो में फ्लैश किया जा रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।